वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 मई 1992 को प्रातः लगभग 9 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे मंदोत्तम परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आवश्यकता है अपने व्यवहार सुधार की, और व्यवहार को ही शुद्ध करना है, तत्व को शुद्ध करना नहीं है। वो तो स्वतः सिद्ध है। अपना व्यवहार शुद्ध हो जाएगा
तो परमात्म तत्व का अनुभव हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से मौजूद है। अगर बाधा है तो यही है कि हम अपने व्यवहार को शुद्ध नहीं कर रहे थे, निर्मल नहीं कर रहे। जैसे मैंने बहुत सी बातें कही है, उनमें थोड़ी करड़ी बातें भी कही कि शास्त्र की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लाभदायक है, परंतु उसमें प्रक्रिया की तरफ ही ध्यान है, वास्तव में व्यक्तियों की क्या आवश्यकता, कैसे आवश्यकता, कैसे अधिकारी बने, अधिकारी का वर्णन कर देंगे, परंतु ये सोचेंगे नहीं कि मैं कहाँ तक अधिकारी हूँ। और गुरु भी ये समझाते नहीं कि तुम कहाँ तक अधिकारी हो। जैसे शास्त्रों की ऐसी अवहेलना एक हो रही है, तत्व की अवहेलना हो रही है, केवल पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई। तो मैं तो इस तत्व को देखा है, भोगा है, जानता हूँ मैं, वो ज्यादा कहता नहीं हूँ, मेरी सतह ऊपर सी हो गई शास्त्र से, क्योंकि नतीजा मैंने देखा तो वो ठीक नहीं मिला। भूत भोगी हूँ मैं, दुखी हो गया। फिर मैंने विचार किया तो दुख में से एक तत्व निकलता है, जैसा 4 वर्ष दुख नहीं हुआ है। अगर दुख हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, भाई वो, बहन वो, कोई वो। अपनी जो स्थिति है अभी, इस स्थिति से अगर जलन पैदा हो जाए, कहते अभी इतने वर्ष हुए हमारा ज्ञान बाकी है, इस बात का दुख हो जाए तो आपकी उन्नति अवश्य हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, परंतु बेपरवाह हो रही है। सत्संग सुनने की तो अलबत् तत्परता है, परंतु उसको काम में लाने की तत्परता नहीं है। अब सत्संग में आते आते काम में कई बातें आ जाए, वो बात एक अलग है। जैसे गंगा जी में पत्थर पड़े हैं छोटे बड़े, वे पत्थर बड़े गोल गोल बन गए हैं, उनका कुना और कट करके गोल हो गए हैं, बड़े पत्थर भी गोल हो गए, छोटे पत्थर भी छोटे छोटे बड़े सुहावने बन गए हैं। उन पत्थरों ने उद्योग नहीं किया है, किंतु गंगा जी का उद्योग है प्रवाह, उस प्रवाह में वे रुक रुक करके वो ठीक हो गए। गीता जी के किनारे मेरे रहने का काम पड़ा, सोने का काम पड़ा, गंगा जी गीता जी का। बड़ी बड़ी रेते के टीबे आ जाते हैं और फिर गंगा नीचे उतर जाती है। अब आज इतनी बालू नहीं है, पहले की बात है, बालू आए हुए, उस बालू के नीचे गंगा जी के किनारे थोड़ी सी बालू ऐसे कर ली और सो गया वहां गंगा जी के पास में। तो कानों में गंगा जी आवाज आती है और मैंने अपने कानों सुनी खड़खड़ 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 पत्थरों के लुढ़कने की आवाज आ रही है गंगा जी के प्रवाह में। वे लुढ़कते लुढ़कते गोल हो गए। ऐसे सत्संग में आते आते है सेठ जी की कोई विलक्षण सूझ है, उनकी कृपा है कि जिसमें लोगों में आचरण शुद्ध होने लगे हैं, जिसमें आजकल ढिलाई ज्यादा है। सेठ जी के समय अच्छी थी, वो अब आजकल नहीं है, हमारे जैसे रहेगा कहने वाले क्या करे। लोग के वजह बींदे मूल्य में लाने लागाम पड़े तो जानी बापड़ा कहीं करे तो सारे तो कदरी मेरी है, परंतु मेरे मन में आती है कि आप थोड़ा सुधार करें। उनमें आज एक मन में आई बात, इन बहनों माताओं के लिए थोड़े सुधार की बात कहूँ, ऐसा मन में आया। तो सुधार व्यवहार करने की है,
व्यवहार के शुद्ध बनाने की है। जीवन का व्यवहार, जीवन हमारी ठीक जीवनचर्या हो जाए तो तत्व ज्ञान तो वही बड़ा है। सत्य सत्य स्वभाव बिगाड़ इसी का ही है, ऐसी से असली लाभ नहीं हो रहा है। आचरणों की तरफ ख्याल नहीं कर रहे हैं और बहनों की आवश्यकता है इसमें मुख्य। न गृह गृह और गृहिणी गृह उच्चते, शास्त्र में लिखा है कि घर का नाम घर नहीं है। घर जो बना हुआ है ना, ये मकान मकानात का, इस घर का नाम घर की घर नहीं है। गृहिणी घर की स्त्री है, वो मालिक हो तो गृह कहलाता है, वो घर कहलाता है, उसको घर कहते हैं। जैसे कोई पुरुष बाजार में जावे और नथ खरीदे और लहंगा खरीदे तो कोई पूछते कि लहंगा पहन तो नहीं, नहीं घर में सारे घर में ये इनका नाम घर है, ये घर है, वो गृह लक्ष्मी है, ये घर की मालकिन है। हमारे साधुओं के बहुत बढ़िया बढ़िया मकान होते हैं, कृष्णों के कम आगे दस जैसे बड़े मकान हमारे साधुओं के होते हैं, पर साधुओं का घर कोई नहीं कहता। कमी क्या है, पैसा भी है, मकान भी है, सामग्री भी बढ़िया बढ़िया, घने गृहस्थों से साधुओं की सामग्री बढ़िया मिलेगी। मुझे कम पड़ा है सर, मैं जानता हूँ इस बात को, अब ज्यादा खोलता नहीं हूँ, पर समझने की बात है, भोगी हुई बात है, जानता हूँ मैं। ऐसा होने पर भी साधुओं का घर नहीं कहते कोई, राम द्वारा कहते हैं, ठाकुर द्वारा कहते हैं, मठ कहते हैं, मढ़ी कहते हैं, ऐसा नाम कहते हैं कि साधुओं का घर, यूं नहीं कहते कोई। तो कमी क्या है इन बहनों माताओं की कमी है। ये अगर में हो जाए तो घर हो जाए हमारा, पर विधि विधान से होता है, अविधि से नहीं होता घर, विधि विधान से वो घर होता है। तो बहनों माताओं आपका घर है, आप गृह लक्ष्मी हो, घर की मालिक हो आप, घर आपके संबंध से ही घर है और संबंध जितने गए वे सब स्त्री जाति से ही। ये ननिहाल है, ये हमारा ससुराल है, ये वे है, आप विचार कर देखो तो संबंध जितने ही स्त्री से ही है। भगवान भी कुंती सुत कहते हैं, कौनते कहते हैं, पार्थ कहते हैं, प्रसादनंदन कहते हैं। संबंध किससे हुआ, मेरी बुआ का बेटा लाडला, तो संबंध बुआ से हुआ ना। इस तरह से जितने संबंध है वो संबंध इनके पीछे है। वो संबंध था बंधन खुलने के लिए, वो संबंध बंधने के लिए हो गया। क्यों हो गया कि स्वार्थ आ गया। स्त्री तो चाहे कि मेरा कहना चले, पुरुष कहते मेरा कहना चले, ऐसी बात हो गई। हमने सुनी आजकल की बात है, सुनी महाराज वाइफ यूनियन जी, क्या यूनियन, वाइफ यूनियन। हाँ, अगर कोई पति ठीक नहीं आचरण करे तो वाइफ यूनियन में कर दो तो सबके घरों की रसोई बंद हो जाए। रसोई बंद हो जाए, यूनियन है सब मिले घर के। ये तो सब हो रही है आजकल, रखने को सुनी मैं तो वाइफ यूनियन है, वो यूनियन समझते हो। हमारे तो भाई अंग्रेजों ने आती नहीं, हम जान से नहीं है। मानव संघ महिला संघ हो गया, अब महिला संघ का हुक्म होगा वैसा करना पड़ेगा। एक पति अगर एक अपनी पत्नी के साथ शासन करके कुछ बात कर दे तो यूनियन में जाकर के वह पुकार करे, सबके रसोई बंद, सबके घर का काम धंधा बंद, यूनियन ने हस्ताल कर दी। समझे, वाइफ यूनियन है, महिला संघ है, महिला ने कर दिया, अब काम नहीं करेंगे, अब कौन रसोई बनाएगा, कौन करेगा। ये कलयुग की महिमा है। बहनों माताओं के लिए एक ही धर्म, एक वचन हेमा, कार्य वचन मंद पति पति प्रेमा, एक ही धर्म, एक ही नियम।
मनुष्यों के लिए 10 धर्म बताए, नियम बताए, 5 5 नियम है, 5 नियम है और 10 धर्म है, 20 है, 10 धर्म लक्षण। तो धर्म है 10 और यम है 5, नियम है 5। एक ही धर्म, एक व्रत नियम, कान वचन मन पति पद प्रेमा। तो एक ही, केवल पति की आज्ञा पालन करना। इसको आजकल ठुकरा रहे हैं। एक जगह मैंने कह दिया, एक लड़की छोटी अवस्था ही, एक दो बार हुआ होगा तो उसको नहीं हुआ, याद नहीं है मेरे को, उसने कह दिया कि तुम पति को नमस्कार किया कि पति को नमस्कार हम क्यों करें, हमारा अधिकार तो बरोबर का है। ये मेरे को जवाब दिया साहब, नमस्कार हम कैसे करें, हमारे को दर्जा कम तो नहीं है। अब जहाँ अपना दर्जा बड़ा मान लिया, वहाँ बाकी क्या रहा, पतन और क्या रहा, बड़ा तो हो ही गए, अब पतन बाकी है वो ही होगा, इसका नतीजा यही होगा। तो ये दशा हो रही है, क्या करें। नमस्कार करने में लज्जा आवे, शर्म आवे, कहा तो गांधारी की कुंती की मर्यादा के पति को नेत्रों का सुख नहीं है तो पट्टी बांध ली, आंखें रहती हुई पट्टी बांध ली गांधारी के पति को सुख नहीं है, वो सुख मेरे को नहीं लेना। नेत्रों का सुख कितना व्यवहार से बंद हो रहा है, यूं ही टटोलती है, यूं टटोल सकती है। अब नेत्रों में कितनी विलक्षण, कितना इनका त्याग, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई भतीजों को छोड़ दिया, भौजाई को छोड़ दिया, सब को छोड़ दिया, एक पति के पीछे इतना इनका त्याग। पर अब आज क्या दशा हो रही है, और घर में प्रेम रखना और रोजाना बड़ों को नमस्कार करे, आज्ञा पालन करे, उनके शरीर में कितना लाभ हो जाए, बहुत बड़ा लाभ हो जाए। एक कहानी याद आ गई अचानक ही, सुना लू। एक सज्जन ने अपनी कन्या को बड़ी अच्छी शिक्षा दी, ओके बेटा तुम अपने घर पर जाओ, इस मर्यादा से तुम चलना। तो कन्या ने वो बात स्वीकार कर ली, पूज्य पिताजी का हुक्म है, माँ बाप का कहने का असर पड़ता है। एक घर भिक्षा को गया, छोटी सी बालिका आई, बाबा जी आप कान कतरते हो ना भाई, नहीं कतरो, मेरी माँ कहती है। अब माँ कहती है जो बस, मेरी बस कैसे सुने, मेरी बात ना करना, मेरी माँ कह के कान काटे समय, साधु भी कान कसर, कान हम कसरते तो है बड़ा, हम कसरते बहुत सारे से कानों में ऐसी बातें सुनाते हैं जो ठीक से ढंग से आ जाए, तो कान कसर नहीं है वो, परंतु हम कैसे और तरह से बालक समझते हैं, बालक उनके कान काट देंगे भाई कानों में, नहीं मेरी माँ कैसी है। तो माँ बाप कहना मानते हैं, तो वह कन्या माता पिता की अच्छी शिक्षा पाई हुई थी, वो जिस घर में गई तो उस घर में एक विलक्षण बात थी कि वो लड़का एक ही था, ना कोई देवर है ना कोई सचेत है, एक पति है एक पत्नी है, एक सास है एक ससुर है, एक बूढ़ी सास दादी सासु, इसने प्राणी घर में। तो वो जी सासु है, वो अपनी बूढ़ी सास का तिरस्कार करती है, अपमान करती है, ठोकर मार देती है, चाहे जो बोल देती है, चाहे जो कर देती है। तो लड़की ने देखा मेरे माता पिता ने जो बात कही उसे बिल्कुल बिल्कुल ऊंची बात, उल्टी बात हो गई है। बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए और यहाँ तो निरादर तिरस्कार, ठोकर तक मार दे, इतना तक कर देती है बहू। बुद्धिमती थी छोरी, बड़ी समझदार थी वो, तो वो काम सब करे, जल भी भर दे, कपड़ा भी धो दे, झाड़ू भी दे दे, रसोई बना दे, बर्तन भी मांज दे, सब काम घर का ठीक अच्छे से काम करे,
और सब भोजन कर गए तो आप खुद भोजन करके और फिर दादी सासू के पास जाकर बैठ जाओ, बूढ़ा माजी उनके पास बैठ जाओ, उनसे बातें करें। उसके पास बैठे वो सासू को सुहावे नहीं कि ये उस वक्त क्यों बैठती है, सासू को बनती नहीं आपस में, तो कहते वहां क्यों बैठी बेहरे, वहां क्यों बैठी वो। तो कहा जी मेरे पिताजी ने कहा है कि घर में बूढ़ों के पास बैठना, जवान लड़कों के पास नहीं, जवान लड़कियों के पास भी नहीं बैठा, बेटी बड़ी बूढ़ी माताओं हुए उनके पास बैठना, तो अपने घर में तो सबसे बूढ़ा यही है। तुम वहां क्या करती हो? वहां मैं शिक्षा लेती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है बड़ी बूढ़ी माताओं के पास बैठना, जवान छोरियों के पास भी नहीं बैठना, छोरों को तो बैठना ही नहीं, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा है, माँ ने कहा है, इस बात बैठती हूँ। तो फिर क्या करती हूँ, बात क्या हुई? बात ये हुई कि मेरे पिताजी ने कहा था कि बड़े बूढ़ों से शिक्षा लेना, अपनी मर्यादा सीखना, उस मर्यादा अनुसार काम करना। देखो बेटी, हमारे घर की मर्यादा तो हमारे यहाँ रहेगी, तेरे को मर्यादा पालन करने की ससुराल की, तो तेरा जीवन वहीं रहेगा, वो वहाँ की मर्यादा है वो ठीक से पालन करना, ऐसे मेरे ने पिताजी ने कहा है। तो क्या कहते बूढ़ी माजी से मैं पूछती हूँ कि माजी मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है, ये पूछती है। तो क्या कहे बूढ़े ने, क्या कहा बूढ़े ने, कहा कि गाड़ी न जाए ठोकर नहीं मारे तो मैं तो सेवा ही मान लू। तो मेरे विचार आया कि ये क्या बात है भाई, पिताजी ने तो बात कही सेवा करने की और ये बात कहती है। तो मेरे पिताजी ने कहा देखो अपने घर की रीत रखना, घर की रीत मर्याद बूढ़ों से सीखना और उसके अनुसार से चलना। अब माता ठंडा सीखा गया तो मुश्किल हो गई, ये छोरी सीख जाएगी तो मेरे साथ ऐसा काम करेगी, क्योंकि जो नाता तुम्हारे उनके साथ है वो नाता मेरे उनके साथ है, बात तो ठीक ही बात है। तो उसका स्वभाव सुधरने लग गया सासू का भी, भाई ये ऐसा काम करेगी। अब बात ऐसे की तो एक दिन माता जी कपड़ा सा बूढ़ी माँ जी के मैला कपड़ा पड़ा है, तुम कपड़ा वो लेकर धोया, साफ किया, अच्छी तरह से सुखाया, पर कपड़ा फटा हुआ, सांगरिया सांगरिया जोड़ी ऐसा है कपड़ा। तो उनको झड़काती देखती है, ये बहू क्या देखती हो? कि मैं देखती हूँ कि बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए, तू पागल हो गई क्या, दिया थोड़ी जाता है, ये तो फटने से हो जाता है, ऐसा थोड़ी देते हैं, कोई ऐसा कपड़ा दिया करता है भाई, तो ये तो हो जाता है, तो फिर वही रखना, तो बदल कौन, बदल तो मैं दू, आप हुक्म आप दे तो बदल दूंगा मैं, तो ये कपड़े बदलते। बेचारी बूढ़ी दशा गिर गई, कपड़ा अब सोड़िया देखा महिला वही बात ऐसी करी, क्या करती हूँ देखती हूँ। वो तो ठीक हुआ, पर वो खाट था उसकी मोजियां लटके और जोड़ी में बिछाई, फिर नौकरी लटके पड़ी, तो उसको देखा तो उसने वो मोज को देखती है, तो बहू क्या देखती हो? कि मैं देखती हूँ कि बड़े बूढ़ों को खाट कैसी दी जाए, देखती हूँ। फिर तो बात वही करती है, पागल होगी तो दिया थोड़े जाता है, इसे ऐसा हो जाता है जीर्ण होने से, तो जीर्ण होने पर दूसरा नहीं लेना, वही रखना, कहीं देवे कौन कौन बदले, बदल तो मैं दूंगी, आगे आप दे दो हुक्म, आप दे दो तो काम मैं कर दूंगी। मेरे पिताजी ने कहा है कि आज्ञा माननी, सास है, जिठानी है, जो बड़ी नंद है, बड़ा है, उनकी आज्ञा पालन करनी, तो बिना आज्ञा मैं कैसे करूं? पिताजी ने मना किया है कि उद्यमता नहीं करनी, अपनी पूछ करनी, उन्हें आज्ञा से काम करना। तो बदलते बढ़िया नुआर का ढोलिया ला करके बसा दिया, बढ़िया पसरना, बढ़िया शोर सब ठीक हो गया, बूढ़ी माता की दशा गर्गी बेचारी ठीक हो गई। अब जो काम हुए जो भोजन करे सर,
भोजन करे जो क्या करे तो ठीक नहीं बजेगा, जो ठीक नहीं आई कट्ठी कर दिए कोड़े में तो वह भोजन देवे ठीक नहीं कटे, क्योंकि बिन ये ठीक नहीं कटी क्यों करी है, ये तो कल में काम पड़े आपको देगा, तो इस वास्ते पहने रखी सुरक्षित तो ठीक नहीं मिल जाएगी। मेरे पिताजी ने कहा कि अपने घर की मर्याद नहीं छोड़नी, तो अपने घर की मर्याद मैं कैसे छोड़ूंगी, तो ठीक नहीं भोजन जाएगी, सब पिताजी का कहना है मर्याद है, मर्याद थोड़ी है तो मांस कौन, मांस तो मैं दूंगी कपड़ा दूंगी मान लूंगी सब कर दूंगी, तो थाली में भोजन दिया कर अच्छी बात, अब सब्जी मिले बाद में मर्याद, खिचड़ी जली हुई खुशन बड़ी हुई खिचड़ी दे हुई दाल है वह भी ला रहे जगह में कांकर रह जाए नीचा वह दाल मिलूंगा वही फुलका नीचे से ऊपर ऊपर कहा जाए नीचे मूंगा हो जाएगा नीचे से पत्थर में रखे तो ऐसा फुलका वे दे हुए सासू को तो ये पूछ देगा बिजली दिया वो यूं देखे क्या देखती हो, मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाए, दाल कैसी दी जाए, खिचड़ी कैसी दी जाए, फुलका कैसा दिया जाए, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है घर की मर्याद रखनी, ये कोई मर्याद होती है तो आप क्यों देती हो कि पहले गुण देवे अब हुक्म आप दे दो मैं जिमा दू पहले, अब खिचड़ी दाल तैयार होते ही सबसे पहले करो रमा जी भोजन करो गर्मा गर्म भोजन मेरे माजी को, इस तरह से महाराज घर का सब काम शुद्ध कर दिया उसने, नहीं तो छोरी गए आप कहने लगे कि माँ जी ऐसे नहीं मारी आदर करो, काल की छोरी आई है मेरे गुरु बन गई हुक्म देती है, नहीं तो महाराज ऐसे ढंग से कहा जो कुछ बोल नहीं सकी सास, ऐसे ढंग से ऐसी चतुराई से घर में काम करो, लड़ाई मत करो हुक्म मत चलाओ करो इस ढंग से तो आपसे आप सबका सुधार हो जाए, बड़ी नम्रता से और केवल कहना ही नहीं है करना भी, वैसे ही बर्तन भी मांजना है कपड़ा भी धोना है कपड़ा सीना है गूंथना है पिरोना है लीपना है ये सब कन्याओं को सीखना चाहिए। आगे बताओ ध्यान दो चित्रकूट में भगवान श्री राम जी विराजते थे तो वहाँ एक चबूतरे बनाए हुए चौकी उस पर रघुनाथ जी महाराज विराजते ऋषि मुनि भी बैठते तो वहाँ कहा है कि सी अनिज पान सरोज सुहाई, अगर सीता जी के सीता जी राजनीति थी अथवा ससुराल में गहरा नीपति थी क्या, पर नीपना जानती थी तब वो चौकी को महाराज से अच्छी से नीप करके बढ़िया बढ़ाई, तो छोटा काम भी सीखना चाहिए कन्याओं को। महाराज जनक की प्यारी पुत्री जनक ज्ञानी के थे पाल की चढ़ाने लगे रो पड़े तो गोस्वामी महाराज कैसे है मिठी महा मर्याद ज्ञान की, जब जानकी को पाल की मर चढ़ाने लगे तो महाराज रो पड़े बेटी तू चली जाएगी आज कितना स्नेह कन्या पर रास्ते है, ये वाह रघुवर स्नेह की ये मोह की बात नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं ये स्नेह की प्रेम की बात है, ये मोह नहीं संतान पर मोह तो हरेक का होता है, क्या जनक महाराज के पास में सुखदेव जैसे मुनि शिक्षा लेने के लिए आते थे तो क्या उनके हृदय में ये मोह था बच्चों पर, मोह था नहीं प्रेम सा प्रेम सीता जी पर राम जी पर कितना स्नेह कितना प्रेम सा उनका, अब वो सीता जी सिर निज पाने सरोज अपने पाने प्राण हाथ कमर से उसको नीप करके साफ गई, और पौधे लगाए हुए चंदन के पुष्पों के और महाराज तुलसी जी के ऐसे पौधे लगे कहूं कहूं से कहूं लखन लगाई, कहीं तो सीता जी ने लगाए कहीं लखन दास जी ने लगाए, तो पौधा लगाना भी काम करती थी सीता जी, बताओ अब इनके क्या काम पड़े, माली का काम पड़ता है अब घर क्या काम पड़े, बस छोटा बड़ा काम नहीं है, सीता जी सब काम करती थी।
अच्छी तरह से, तभी तो वहां जंगल में सब काम करेंगे, तो कैसे करे, सीखा हुआ नहीं तो कैसे करेगी। सब मर्दा ठीक काम करती थी तो कन्याओं को ऐसी बनानी चाहिए, अगर वे काम नहीं करते तो कन्याओं को दोष नहीं देते। लोग क्या कहती है, माँ डांट सिखाई को नहीं, माँ को गाल मिलती है, ससुराल में जाती है देखो रसोई बनाने उसको नहीं आता, काम करना नहीं आता, तो माँ डांट सिखाई को नहीं। माँ डांट आप लोगों की बात मिलेगी, अगर ठीक तरह से काम करे कन्या आपकी, तुम्हारा एवा उत्तम गुण थी उभय सकुल उजवारी सखिया निज निज नीति धर्म सदा संभारी। जनक महाराज गए चित्रकूट, तो बड़े बड़े राजकार राज की अवसर वे सीता जी को देखते हैं तो पानी आ जाते हैं, हमारे महाराज की प्यारी पुत्री बड़ी आदरणीय बेटी आज जंगल में बैठी है, पहन के लिए बढ़िया कपड़े वैसे नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए फूस की कुटिया, ये वायु चले, ये गर्मी पड़े, ये वर्षा पड़े, उसमें से बैठी है तो बड़े बड़े जितने अवसर थे उनके आंसू आने लगे। महाराज जनक से जाकर बिजली जानकी नमस्कार करती है, तो जनक जी से हाथ रखा और लगा और बोले पुत्री पवित्र किए कुल बेटी पुरुष कर दी, पुरुष कुल पवित्र कर से एक कुल पवित्र करे और ये पवित्र कर दो कुल उत्पन्न कर दे। अच्छे घरों की जन्मी हुई है, बड़े बड़े घराने की बेटी है ये, ऐसा लोग कहे, और महाराज बड़े घराने में ब्याही गई है, तो दोनों गुणों को उसने उद्धार कर लिया। ये जनक महाराज कहते क्योंकि मैंने वहाँ आराम के लिए भेजा और तुम वनवास में आ गई, राम जी का वनवास हुआ तो सब छोड़ कर आ गई। महाराज राम जी ने कहा और राम जी ने बड़ी करड़ी बात कही कि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे दुख पाओगी, साफ दे जू ऐसी कड़ी बात कही, पर जानकी डरी नहीं, अरे हुआ वही रावण के हुआ नहीं दुख पाई भी, मैं कर नहीं दुख पाओगी। और सास कहती है फिर हाँ ये जनक पुत्री यही रह जाए, ये वन के लायक है, अरे सुग्गा सुगी जो संजुक पक्षी होते हैं वो आम के डाली पर रहते हैं, क्या करीर में रहेगी, जंगल के लिए तो किरात है जिनकी लड़कियां है वे है बन के लायक, ये राजपुत्री क्या जंगल के लायक है। और महाराज दशरथ जी तो बहुत विलक्षण बात कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं ये जनक राजपुत्री रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा राम लला है, आधा राम लला, राम लला तो है ही उसके पीछे आई हुई है तो मेरा राम है, ऐसे मेरे प्राण रह जाए। परंतु महाराज श्री धर्म को समझने वाली सीता जी ने पिताजी की नहीं मानी, ससुर की नहीं मानी, पिता के समान है उनकी नहीं मानी, माँ की नहीं मानी, और राम जी ने रहने को कहा तो क्या बोली उसने, ऐसे उपचन कठोर सुनी जो हृदय बिलगन तो प्रभु विषम योग दुख सही है पावर प्राण, ऐसे आपके वचन सुन के भी मेरे हृदय फटता नहीं, आपके तो बिहार रह जाओ तो आपके वियोग की बात सुन करके और मेरे हृदय फटता नहीं है, इससे मालूम होता है कि आपके वियोग में ये प्राण रहेंगे। राम ने देखा बच जाएगी, अपने आराम के लिए नहीं लिया कि साथ में तुम्हें तो मेरी सहायता करेगी सेवा करेगी, इस भाव से नहीं लिया, केवल उसकी प्रसन्नता के लिए लिया भगवान राम जी मेरे साथ में, ऐसा किस तरह से सेवा करी राम जी की। लखनलाल जी के साथ में तो लखनलाल जी को डर लगा कि माँ आज्ञा नहीं देगी, सुमित्रा माँ आज्ञा नहीं देगी, साथ में जाकर सुमित्रा के पगों पर डरते हुए और सब बात कही, ऐसे राम जी को वनवास हो गया है वन में जा रहे हैं, तो महाराज सुमित्रा लखनलाल जी माँ मामूली से सो रही है,
कि बेटा तुम जाओ, तुमने ही भाग्य राव बन जाए, बेटा तुम्हारा भाग्य जग गया, तुम्हारे भाग्य से राव जी बनने जाते हैं, यहाँ दास दासी बहुत है सेवा करने वाले, वहां तेरा भाग जग गया, तू सेवा कर। सीताराम जी सेवा कर रहे, रामम दशरथम दिद्धि, ये सुमित्रा ने कहा राम जी है ये तो तुम दशरथ जी का सूर सो, और माम विद्धि जनकात्म जाओ, ये जनक राज कन्या है, तरिया कन्या है, ये मेरा स्वरूप है साक्षात, और अयोध्या अतिम विद्धि जंगल है उसे तुम अयोध्या सो, गच्छता यथा सो, बेटा खूब जाओ, मौत आशीर्वाद दिया और खुशी हुई सुमित्रा माता। और वो कहती भी है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भक्त जान सुतो हुई, संसार में बेटे की माँ वही है कि जिसका बेटा भगवान का भक्त बने, तब वो बेटे की माँ है, न तो बाज भले बाज बियानी, पशु की तरह पता है बियानी है, पशुओं में आता है मनुष्य में नहीं आता है, परंतु कहते हैं राम जी का भक्त नहीं और बाज बियानी, राम विमुख सोचते बड़ी हानि भेजा है। तो माता सुमित्रा का क्या आदेश है, हनुमान जी गए द्रोणाचल हनुमान बूटी लाने के लिए, वहां भरत जी के बाल से गिर गए, वहां सुमित्रा भी आ गई, तो कहा गए और समझ बाण लग गया, लक्ष्मण जी गाल दी जाए, बेटा तुम जाओ, शत्रुघ्न जी कहती है माँ सुमित्रा शत्रुघ्न को कहते है बेटा राम अकेला हो गया है, सुख जाओ ये सेवा करो, किसी उदार से एक बेटा तो मर गया जाना है, अब मूर्छित है जीवेगा तो जीवेगा, सूर्योदय हो जाएगा तो प्राण चल जाएंगे, ऐसी हालत में वो कहती है। हनुमान जी कहते माता जी मैं कल सुबह शाम ठीक हो जाएगा, कोई चिंता मत करो, कितना सुमित्रा का त्याग है, और कौशल्या माँ के कितनी त्याग है, कौशल्या माँ ने कहा तेरे पिताजी ने अगर कह दिया वन में जाने के लिए तो तुम जाओ, जाना बड़ी माता तुम्हारे लिए माँ का दर्जा ऊंचा है, कौशल्या पतिव्रता है, राम जी की माँ है, कोई मामूली चीज नहीं है, वो अपने पति पुरुष की बात विचार नहीं करती है, वो कहती है तेरे पिताजी ने कहा है वनवास में जाने का, तो मेरा कहना है यहाँ पर रहो, दोनों बात विरोधी हो, जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा होता है, इस वास्ते मेरा कहना मानो और तुम रहो, जो पितु मातु कहे वो बन जाना, अगर केकई ने कह दिया है जंगल जाएगा तो कानून शतवध समाना, पिता से सौ गुना अधिक माँ का और माँ से सौ गुना अधिक विमाता का, दूसरी छोटी माँ का, तुम के कहीं ने कह दिया तो बेटा भर में जाओ, अब मैं नहीं रखती, मैं रोकती नहीं, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, के कहीं ने कैसा बर्ताव किया और कौशल्या ने क्या बर्ताव किया है, और राम जी के बिना कौशल्या के दशा क्या हुई, रोती रहती है, कोई रास्ते में जाता है तो कहता है भैया तुम जंगल में जाओ, राम को कह देना कि तुम्हारे घोड़े बड़े उदास हो रहे हैं, वे रो रहे हैं बेचारे, और तुम जाओ घोड़ों को संभालो, अपने जैसा नहीं घोड़ों को जैसा, उन पर दया करो, राम लेना जल्दी आ जाओ बेटा, ये बात कह रही है, नींद नहीं आती है, सुमित्रा से पूछती है एक दिन कौशल्या से कि बहन ये बात सच्ची बताओ कि राम जी वनवास में चले गए, ये बात सच्ची है, कहते इन बहन कैसे मेरे सामने राम लक्ष्मण और सीता मेरे सामने घूम रहे हैं, अगर जंगल में चले गए तो मेरे सामने कैसे घूम रहे हैं, ये तो यहाँ पर है, और अगर यहाँ पर है तो मेरे हृदय की जलन क्यों नहीं मिटती है, दुख क्यों नहीं मिट रहा है, मैं निश्चय नहीं कर रही हूँ, क्या बात निश्चय नहीं है, तो आंखों के सामने राम लगन सीता ये वो देखते, ऐसा विजय में महाराज वियोग में संयोग होता है, प्रेम जहाँ होता है वियोग में संयोग, संयोग में वियोग, संयोग में संयोग, वियोग में वियोग, चार अवस्था होती है, कभी वो अवस्था कभी वो अवस्था, ऐसे इस तरह कह रही है, तो मैं बताऊ आपको ये शिक्षा देनी चाहिए,
रामायण शिक्षा दे रही है सबको, भाइयों को बहनों को रामायण शिक्षा दे रही है, तो घर में अच्छा अच्छा बरसाओ करो। अब कहा था कि वो मेरी बातें बहुत ही सुनी हुई है, हमारी बहुत पुरानी जगह सुनने वाली है, वे तो जानती है, ये अवश्य ये कहेंगे घर की बात कहेंगे। महाराज पढ़ी लिखी लड़कियों ने बात कही, क्या स्वामी जी तो देने जेठाने की बात करते हैं, हम समझे कुछ ज्ञान की बात करेंगे, यहाँ जाकर सुना तो देरानी जेठानी की सास होगी, बहू होगी, ननद की, भौजाई की, ये बात हो गई, तुम्हारे घर में ही है, क्या सुना सब पसंद नहीं करते पढ़े लिखे। और मेरी तो बहुत आती है मन में, आजकल मैंने कहा नहीं, विशेष करके ज्ञान की यही बात चलाता हूँ, परंतु व्यवहार शुद्ध हुए बिना ज्ञान की बातें खूब समझ में आ जा, आसन में आ जा कठिन पड़ती है। व्यवहार शुद्ध होते ही अंतकरण निर्मल हो जाएगा, तो निर्मल भाषा में निर्मल अंतकरण में निर्मल भाषा ठहरेगी, आ जाएगी आपकी समझ में और आसन शुद्ध हो जाएगा। इस बात के सब आसनों में त्याग मुख्य है, अपने आराम का, अपने सुख का, पक्ष का त्याग करके दूसरों का हित करना, वो आराम देना, घर भर को सुख कैसे मिले से कहना, हमारे घड़ी बता रहे हैं।